राधे राधे। तो आज रिद्धि बनाने जा रही है रोटी, और इसकी रोटी बनाने के पीछे ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। तो आज आपको पता चलेगा कि ये क्यों मेरे से इतना ज़िद करके आटा मांगती है। क्या दूं बताओ? आटा चाहिए? आटा तो है ही नहीं यार, अब कैसे चलेगा काम? रुक जा देखती हूँ। आप रोटी बनाते रहो, मैं आपको खाना खिला देती हूँ, ठीक है? आपने कुछ खाया नहीं है ना? बुखार आ रहा है मेरे बेटे को, खाना नहीं खाएगा तो एनर्जी कहाँ से आएगी? इतना काम मत कर, रहने दो, बड़े होके कर लेना, बड़े होके बना लेना। बैठ गलो, यहाँ पर इतनी सीधी सी बन के ना आटा खाने की कोशिश कर रही है कि मम्मा इधर उधर नजर करे और मैं आटा खा जाऊं। जब मैं रोटी खिला रही हूँ तो आटा क्यों खा रहा है ना? गंदी बात बाबू, नहीं मम्मा रोटी खिला रहा है ना, मुझे दे दो आटा। गप्पू भाग गया, आटा मुंह में डाल के भागी है ये। बाहर निकल, बता रही हूँ मैं रोटी खिला रही हूँ, आप आटा खा रहे हो, गंदी बात होती है। बाहर निकल, वही जा, लोई पूरी खा गई गोलू। आप तो चिपक जाएगी। नहीं मैंने मना करा ना, देखो मैं रोटी खिला रही हूँ। मेरा बेटा है ना, थुकू कर दे मेरा बाबू, प्लीज थुकू कर दे, थुकू कर दे। आओ जल्दी आओ, फिर आप खा रोटी खाओगे, आओ पेट में। जो लोग ये बोलते हैं ना कि टीवी दिखा के बच्चों को खाना नहीं खिलाना चाहिए, तो ज़रा देख लो ट्रेलर, ऐसा होता है। क्योंकि बच्चे इतने शैतान होते हैं ना कि हमको आखिरकार टीवी चला के उन्हें खाना खिलाना ही पड़ता है, क्योंकि एक जगह ये टिकते नहीं हैं और इतनी ताकत हमारे पास होती नहीं है कि पूरे घर में घूम घूम के इनको खाना खिलाएं। और अब मैं करने जा रही हूँ कपड़े प्रेस, क्योंकि पतिदेव जा रहे हैं आज गाँव, तो इनके कपड़े जब ये जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं ना, उसी वक्त मैं प्रेस करती हूँ, क्योंकि पहले प्रेस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अलमारी में जो कपड़े प्रेस करके रखती हूँ ना, मैं दूसरे दिन जाकर देखती हूँ तो इतनी गंद मचा होता है, पूरे कपड़े गोल मोल करके रख देते हैं ये। तो इसीलिए उसी टाइम प्रेस करो जब पतिदेव कहीं जाए। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े प्रेस कर दिए थे और ये पैकिंग स्टार्ट कर रहे थे कि क्या कपड़े ले जाने हैं क्या नहीं ले जाने हैं, तो मैंने इनको सारे कपड़े प्रेस करके दे दिए। और यहाँ पर मैं सोच रही थी कि माँ के लिए कुछ बैंगल्स भेजूँ, तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनको कैसे रखूँ, क्योंकि टूट जाने हैं और इनके हाथ में भेजूँगी तो टूट ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक माइंड मेरा चला कि एक केटल जा रही थी, तो केटल के अंदर मैंने बैंगल्स को रख दिया। मैंने कहा इसको गिरेंगे तो है नहीं, ये टूटेंगे भी नहीं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसके अंदर मैंने बैंगल्स डाल दी थी, जो भी टूटने वाला सामान नहीं था माँ के लिए भेज रही थी, तो वो मैंने इसके अंदर पैक करके रख दिया। और अब हो चुकी है हमारी पैकिंग और जाने वाले हैं हमारे पतिदेव गाँव, और मैं और रिद्धि यहाँ पर रहेंगे अकेले। और रिद्धि इतना रोएगी ना, मुझे पता है। और ये सारा चीज़ ना मैं ताला लगा के इसलिए रखती हूँ, क्योंकि अगर ये रिद्धि के हाथ पड़ गया ना, तो सारी बैंगल्स का नाश है, सब कुछ आपको नीचे मिलेगा। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो काफ़ी सावधानी रखनी पड़ती है इन चीज़ों की, क्योंकि हर एक चीज़ इनको अप्लाई करनी होती है, लिपस्टिक बिंदी।